Hey guys, welcome to the vlog. My name is Baby and you are watching Baby on Board. तो आज है मेरा थर्ड डे, थर्ड ऑफ अप्रैल. तो कल का जो व्लॉग है वो आपको शायद थोड़ा सा ऐसे ही लगा होगा, मतलब क्योंकि हम प्रैंक कर रहे थे और वो आज सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ वो बीच में ही रह गया. तो और आज का दिन भी मेरा कुछ खास नहीं गया क्योंकि मैंने डेली व्लॉग के लिए प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन मैं मुझे पता लग रहा है कि कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वैसे भी मैं जब वीडियो बनाती थी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती रहती थी. तो लेकिन मुझे लगा अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, लैपटॉप आ गया है और फ़ोन में मेरे बहुत स्पेस है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो इन्होंने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दी थी. लेकिन अब आज मेरे को सुबह से इतनी ट्रबल हुई, मेरे को आज अपना फर्स्ट व्लॉग पोस्ट करना था तो अब वो जस्ट कुछ ही देर पहले पोस्ट हो पाया है क्योंकि ना नेटवर्क की इशू हो रहा था, नेटवर्क का इशू हो रहा था. मैंने एक्चुअली अपलोड तो कर दिया था, अपलोड करने के बाद जब उसमें मुझे थंबनेल वगैरह लगाना था और वीडियो का टाइटल वगैरह सेट करना था क्योंकि मैंने पहले ही जल्दबाजी में मैंने पहले अपलोडिंग पे लगा दिया क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी. जैसे ही नेटवर्क कैच हुए तो मैंने उसको अपलोडिंग पे लगा दिया. तो जैसे ही मैं थंबनेल लगा रही थी ना, इतने ट्रबल हुआ ना, वो अपडेट ही नहीं हो रहा था, सेव ही नहीं हो रहा था थंबनेल, और मैं उसको वो पब्लिक भी नहीं कर पा रही थी, प्राइवेट पे ही था मेरा ब्लॉग. और सुबह से हम परेशान हैं, कुनीत भी ट्राई इतनी बार ट्राई कर चुकी है, उसका एग्ज़ाम था, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और उसने कुनीत ने इतनी बार ट्राई किया, लेकिन बस है ना, जब जो चीज़ जब होनी है तभी होती है. लेकिन हाँ, फाइनली ब्लॉग पोस्ट हो गया. तो ये व्लॉग आप आज का मेरा लेट हो गया है, लेकिन मैं आपको सुबह 10 बजे से पहले डेली मेरे आपको व्लॉग आप मिलते रहेंगे. तो आपको बस क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है और वीडियो अगर किसी भी वजह से आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर थोड़ी सी हंसी आए तो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है. चैनल को सब्सक्राइब तो आप मुझे पता है कर ही दोगे क्योंकि ये तो बहुत बेसिक ही रूल हो गया है कि आप वीडियो देखते हो तो आपको अच्छी लगती है तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ठीक है. तो आज मैं सुबह से यही ट्राई कर रही थी, सुबह से हम परेशान थे. बस हमने ब्रेकफास्ट भी आई थी, हाँ क्या था ब्रेकफास्ट, लेकिन मैंने नहीं किया था, गुनीत ने उसके पापा ने किया था. मैंने तो फ्रूट्स ही खाए थे. आजकल मेरे को हो गया है कि मुझे फ्रूट्स ही ज़्यादातर खाने हैं, लेकिन दोपहर को मैंने वो जो आलू की सब्ज़ी थी उसके साथ चपाती खाई. आज मैंने इनके लिए अंडे डाल दिए थे ग्रेवी में क्योंकि ग्रेवी बची हुई थी कल की, जो चिकन बनाया था ना कल जो चिकन था. हाँ, आज का पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया. लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ जो आपको अच्छी लग सकती है. मैंने किया था नायका से ऑर्डर, तो वो मेरा बॉक्स जो है आ चुका है, ये देखिए. तो इसमें मैंने बहुत सारा सामान मंगवाया है इस बार. मैंने बहुत दिनों बाद शॉपिंग की है मेकअप की, ऑलमोस्ट मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं गिन भी नहीं सकती हूँ, मेरे को इतने दिन याद भी नहीं है मैंने कब शॉपिंग की थी लास्ट. तो ये मेरे को बॉक्स रिसीव हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ. अनबॉक्स तो आई थिंक कर दिया गुनीत ने, ये है ना गुनीत, खोल के देखा है ना आपने, अनबॉक्स करके देखा है गुनीत ने. लेकिन मैंने भी प्रोडक्ट सिर्फ अभी ऐसे ही देखे हैं, मैं आपके सामने खोल के इनको अनबॉक्स करके देखते हैं, ठीक है. तो चलो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस देखिए, ये इतना बड़ा डब्बा भेजा है और इसकी पैकिंग जो है निकाल दिया गुरीत ने क्योंकि उसको ये था कि मम्मा आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं पैकिंग उसकी निकाल देती हूँ. तो ये देखिए मैं आपके सामने, अरे वाह गुरीत, तूने खोल के भी देखा था ये? अच्छा, ये निकाल के देखा है, ये ब्राउन था ना, इसलिए मैंने चेक करा कि असली में ब्राउन है या ब्लैक ही मिल चुकी है. एक्साइटमेंट तेरी है ना. चलो कोई नहीं, अब मैं दिखा देती हूँ गाइस को. तो गाइस हमने अपने रूम की सेटिंग फिर से चेंज कर दिया है, ड्राइंग रूम की सेटिंग. तो देखिए टीवी सामने लगा दिया है. अच्छा, पहले जो था ये टीवी इस तरफ था और ये जो सोफ़ा है इसको हमने अभी ऐसे सेटिंग करा है, ये सोफ़ा था इस दीवार की तरफ, ये रेक्लाइनर तो इधर ही था और ये था इस सोफे की तरफ. तो अब हमने इस तरीके से कर दिया रूम को.
और हाँ, ये मंदिर की जो लाइटर थी ना, ऐसी फैला के लटका रखी थी ना, तो ये मेरे पास बोतल पड़ी थी कंच की। एक्चुअली मैं ये दो बोतल लेके आई थी और इनके ढक्कन ना लूज़ हो गए थे, तो एक रेड कलर की थी वो, तो ना क्या हुआ, ढक्कन लूज़ होने की वजह से ना गिर के टूट गई। और फिर जब इसका ढक्कन लूज़ हुआ तो मैंने ढक्कन फेंक दिया, बोतल रख ली थी मैंने संभाल के। तो अब फिर मैंने देखा कि एक ऐसा किसी ने करा हुआ था, मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो मैंने ऐसा किया। तो फिर अब उन्हें कीरत को और उसके पापा को बहुत अच्छा लगा, तो हमने फिर इसको ऐसे ही रख दिया है अभी फ़िलहाल। और किचन में आज बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे क्योंकि इसके पापा को आज जल्दी जाना था थोड़ा सा, तो क्योंकि ना वो मेरी हेल्प करते हैं इसमें डिश वॉश करने में। मेरे ना हाथों में एलर्जी हो गई थी 2019 में, तो मेरे हाथ ना मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए थे, चाहे मैं कितने मॉइस्चराइजर लगा लूँ, फिर दवाई खाने से ठीक हो गए हैं। तो मैं कभी भी ना, मेरे को पता नहीं लगता कि वो बर्तन मांजने से हो रहे हैं या फिर रोटी बनाने से, क्योंकि मेरे को रोटी बनाने से भी इन्फेक्शन हो जाता है वो, और बर्तन मांजने से। तो रोटी का तो मैनेज कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ कि फटाफट करके फिर अपनी दवाई वगैरह लगा लेती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि जब तक मैं घर पे हूँ, मैं घर पे होता हूँ, बर्तन मैं ही धो दूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बाई बाई अभी नहीं लगा रखी है, बाई जो है हाउस हेल्प, क्योंकि इतना होता नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी वन टाइम ही आएंगी, वन टाइम में वो कहते हैं कि वन टाइम वो करके जाएंगी, तो मैं ही कर दूंगा। तो फिर वो बोलते हैं कि जितना तुझसे होता है उतना कर ले, बाकी मैं कर लूँगा, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की अपडेट क्या है, हाँ डिनर की अपडेट ये है कि आज हम डिनर में पपाया खाएंगे। और बस फिर इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बेवजह इसको लंबा करने का कुछ फ़ायदा नहीं है ब्लॉग को। मैं इसको यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सत श्री अकाल। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो अभी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।